सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ JK SSB JEE के बारे में, पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो फिर सबसे पहले मैं आप पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पर न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ, जहाँ पर लिखा है IAS paper.net करियर। फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पर न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ, जहाँ पर लिखा है JK SSB JEE रिक्रूटमेंट 2022 रिजल्ट, एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम पैटर्न। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाई स्टेप, इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। सो यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ JK SSB JEE, या फिर इसके नोटिफिकेशन, हाईलाइट्स, डेट्स, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, सेलेक्शन प्रोसेस, एडमिट कार्ड पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन बुक्स एंड टिप्स, आंसर की, रिजल्ट कट ऑफ एंड सैलरी एंड बेनिफिट्स, इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज़ JK SSB JEE क्या है, किसने स्टार्ट किया, कभी स्टार्ट हुआ, उसमें कितने वैकेंसीज है, कितने पोस्ट हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो JK SSB का फुल फॉर्म क्या है। JK SSB का फुल फॉर्म है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है। और JEE का होता है जूनियर इंजीनियर। फिर अब आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन PDF आपको किस तरह डाउनलोड करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, आपको लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे और आप अपना नोटिफिकेशन PDF देख सकेंगे। नोटिफिकेशन पीडीएफ के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है इंपॉर्टेंट, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में किस तरह फिल करना रहता है, और उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई है आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर अब आते हैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स पर। जैसे कि यहाँ पर दिया गया नेम ऑफ द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का नेम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड, इसका शॉर्ट फॉर्म है JK SSB। और JEE का फुल फॉर्म है जूनियर इंजीनियर। मैकेनिकल एंड सिविल के लिए रहता है। कंडक्टिंग बॉडी कौन कंडक्ट करता है, तो इसको JK SSB इसको कंडक्ट करता है इस एग्ज़ाम को। पोस्ट का नेम है जूनियर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर एंड सिविल इंजीनियर। फिर स्टेट एग्ज़ाम लेवल है, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, साल में सिर्फ एक बार होता है, और इसके वैकेंसीज 239 वैकेंसीज है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड का एग्ज़ाम होता है, और एप्लीकेशन फॉर्म में ऑनलाइन मोड से फिल किया जाता है। जॉब लोकेशन, इसकी जॉब रहती है वेरियस पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में क्या रहता है। फिर इसका यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है। फिर अब हम आते हैं एग्ज़ाम डेट्स। एग्ज़ाम डेट्स होता है कि अगर किसी भी से डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, या फिर एग्ज़ाम डेट, किसी भी चीज़ का डेट आता है, तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर अब हम आते हैं वैकेंसीज पे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की, सॉरी अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं। ये सिविल के लिए है, अलग मैकेनिकल के लिए है। OM कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के लोग, 71 सिविल के लिए हैं एंड 15 मैकेनिकल के लिए। शेड्यूल कास्ट मतलब SC के लिए 12 सिविल के लिए हैं और मैकेनिकल के लिए थी। वैसे ही यहाँ पर और भी कैटेगरी के लिए दिया गया है, और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी थ्री टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप 1962 से पहले कहीं और रहते थे और 1962 के बाद आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है कि अगर आप उस पोस्ट के लिए, जिस भी पोस्ट में आप जाना चाहते हैं, अगर आपने उतना स्टडी किया है, जैसे अगर आपका डिप्लोमा और डिग्री कंप्लीट है,
तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी एज लिमिट, एज लिमिट होती है कि आप कितने एज के अंडर तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 18 ईयर्स के हैं मैक्स मिनिमम एज, अगर आप 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स आप पर एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है। ओएम के लिए 40 ईयर्स दिया गया है 18 टू 40 ईयर्स के अंडर, फिर एससी के लिए 43, ऐसे यहाँ पर और भी कैटेगरी के लिए दिया गया है। फिर अब हम आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फ़ीस बोलो चाहे फिर एप्लीकेशन प्रोसेस बोलो। और आप ये ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ऊपर जाएंगे जहाँ पर आपको करियर का ऑप्शन दिया रहेगा और आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे जहाँ पर आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि अपना आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डॉक्यूमेंट्स भी देना रहता है उसमें, और क्या देना रहता है, हाँ, और एप्लीकेशन फ़ीस भी देना रहता है कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर आप ऑल कैटेगरी मतलब यहाँ पे दिया गया सभी कैटेगरी के लिए सिर्फ 350 रुपीज़ ही हैं, और आप किसी भी तरह अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वोटर या फिर सॉरी वॉलेट या फिर UPI, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। और आपको उसमें अपनी कुछ फ़ोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर करनी रहती है। और अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप अपना एक बार एप्लीकेशन फॉर्म रीचेक कीजिएगा, और अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म रीचेक कर लिया और सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। फिर अब हमारे सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि अगर आपने प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब में आप पास हो गए अच्छे नंबर से तो ही आप इसको सेलेक्ट हो जाएंगे। और फिर अब हम आते हैं एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम पर 10-15 डेज पहले आती है, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू दे सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना रहता है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पर आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे, और अगर आपने एडमिट कार्ड देख लिया अपना तो फिर आप इसका डॉक्यूमेंट्स मतलब आप इसका शायद आप PDF भी बना सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको ये कभी भी काम आ सकता है। फिर आप एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है, एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि अगर आप मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम मिलता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है 1 मार्क्स से 1 क्वेश्चन आता है, और जिसका रॉन्ग आंसर रहता है उसके लिए 0.25 मार्क्स रहता है डिडक्ट किया जाता है फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए। फिर पेपर वन में टेक्निकल मतलब सिविल एंड मैकेनिकल के लिए है 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स एंड आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का। फिर अब हमारे सिलेबस पे आपको कौन कौन से सिलेबस स्टडी करनी है, जैसे कि सर्विंग है यहाँ पर 10 मार्क्स का रहेगा, फिर मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल के लिए यहाँ पे 15 मार्क्स दिया गया है, RCC स्ट्रक्चर के लिए 15 मार्क्स है, फिर सोयल के लिए है 10 मार्क्स, ऐसे भी यहाँ पर और भी सब्जेक्ट के लिए दिया गया है कितने कितने मार्क्स का आपको आता है। और फिर मैकेनिकल के लिए दिया गया है, ये इंजीनियर के लिए था और ये मैकेनिकल के लिए दिया गया है। उसके बाद अब हम आते हैं प्रिपरेशन बुक्स एंड टिप्स, आपको किस तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, उन सब के बारे में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया गया है। तो आपको इसी तरह सारा मतलब प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपको अपनी स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल बनाने के बाद आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अच्छे से स्टडी करनी है जिस तरह से आपने टाइम टेबल बनाया रहेगा। फिर आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक्स हैं उन सब के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है कि किसने पब्लिश किया, उसका कौन ऑथर है, जैसे JK गुप्ता है, BC पुनिया है, फिर यहाँ पे RK है, RS है, रोहित मेहता है, नेद मोहन है, बहुत सारे यहाँ पे नेम्स दिए गए हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, फिर सिविल इंजीनियरिंग RCC स्ट्रक्चर के लिए, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल के लिए है। फिर अब हम आंसर की, आंसर के एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद सॉरी एग्ज़ाम के बाद और रिजल्ट के पहले आता है, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे,
तो फिर आपको उसमें अपना इन्फॉर्मेशन देना रहेगा, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पासवर्ड और आपका नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है। अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप अपना आंसर की दे सकेंगे, और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया है तो फिर आप उसका PDF भी बना सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर अब हम आते हैं रिजल्ट पे। रिजल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती है और आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक करना रहता है। पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना रहता है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आपको अपना आप रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड ट्रैक करना रहता है, और आपको टाइप राइट रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड टाइप करना रहता है। अगर आपने रॉन्ग टाइप किया तो फिर आप अपना आंसर की रिजल्ट नहीं दे सकेंगे, और अगर आपने सही लिखा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड तो फिर आप अपना रिजल्ट दे सकेंगे। और अगर आपने अपना रिजल्ट देख लिया तो फिर आप उसका PDF भी बना सकते हैं या फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स दिया गया है, जैसे कि अनरिजर्व के लिए 88 है, OBC के लिए 80 है, SC के लिए 60 एंड ST के लिए 55। तो आपको इससे ज़्यादा ही मार्क्स आने चाहिए, अगर आपको इससे कम मार्क्स आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे और आपका नेम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आपका इससे ज़्यादा ही मार्क्स आए। फिर यहाँ पर सैलरी एंड बेनिफिट्स दिया गया है, जैसे कि अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए लेवल 6 के हैं तो फिर आपका सैलरी रहेगा 400। फिर अगर आप यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए हैं लेवल 6, वो भी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए हैं, तो फिर आपका रहेगा सैलरी 35,400। सभी कैटेगरी के लिए, सभी पोस्ट के लिए उतना ही दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ लेवल 6 के लिए है। फिर यहाँ पे कुछ FAQs क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।